क्या यूपी की सुल्तानपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी? क्या सुल्तानपुर में वरुण गांधी को चुनौती दे पाएंगी प्रियंका गांधी? आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अब तक ये खबर सामने आ रही थी कि सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से अपनी सियासी पारी का आगाज करेंगी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस प्रियंका को बीजेपी सांसद भाई वरुण गांधी की सीट से उतारने का मन बना रही है। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी यूपी की सुल्तानपुर संसदीय सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। माना जा रहा है कि बीजेपी को मात देने के लिए प्रियंका गांधी इस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी। हालांकि कांग्रेस आलाकमान और पार्टी के बड़े नेता फिलहाल इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता उन्हें सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सुल्तानपुर सीट पर भाई वरुण गांधी और बहन प्रियंका गांधी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। सुल्तानपुर से कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ें। इस बाबत स्थानीय नेता पार्टी हाईकमान से पिछले काफी वक्त से मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कई सामाजिक संगठन भी प्रियंका के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने स्थानीय नेताओं की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। सियासी जानकारों की माने तो इस सीट पर भले ही कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बार जीत हासिल की हो, लेकिन मौजूदा दौर में इस सीट पर कांग्रेस की हालत कमजोर है। 2009 का चुनाव छोड़ दें तो कांग्रेस 1985 के बाद से इस संसदीय सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। 2009 के एक लोकसभा चुनाव में अमेठी के संजय सिंह ने बीएसपी उम्मीदवार को हराकर ये सीट कांग्रेस की झोली में डाली थी। फिलहाल इस सीट से बीजेपी के वरुण गांधी सांसद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2019 में भी बीजेपी की ओर से वो ही उम्मीदवार होंगे। जाहिर है इस सीट पर प्रियंका अपने भाई वरुण गांधी को मात देने में कामयाब होगी या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन प्रियंका के यहाँ से चुनाव लड़ने पर टक्कर जरूर दिलचस्प होगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।